नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में काफी लोकप्रियता मिली। भक्तों के बीच आलम यह रहा कि होटल से लेकर रास्ते और रास्ते से लेकर पंडाल तक हर जगह लोग इंतजार करते रहे दर्शन के लिए। इतना ही नहीं, भक्तों और लोगों के बीच बाबा बागेश्वर की दीवानगी का आलम यह भी था कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए पटना एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सुरक्षाकर्मी मशक्कत करते रहे, मुश्किल से बाबा को एयरपोर्ट के अंदर ले गए, लेकिन लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि भीड़ ने एयरपोर्ट के नियम को तोड़ दिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके चार्टर्ड प्लेन तक छोड़ कर आए। इस भीड़ को देख बिहार के आईपीएस अरविंद पांडे ने मांग की है कि बाबा बागेश्वर को जेड प्लस सुरक्षा मिले। अरविंद पांडे बिहार के पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा के पद पर तैनात है। आईपीएस अरविंद पांडे ने ट्वीट कर कहा कि जेड प्लस सिक्योरिटी की इस देश में सर्वाधिक आवश्यकता श्री बागेश्वर धाम सरकार के आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को है। जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने के लिए और एक बार मिलने के लिए वीआईपी से लेकर आम जनता तक पलके बिछाई रही, उससे तो यही लग रहा है कि बाबा को सुरक्षा तो चाहिए और बिहार आए तब तो जरूर चाहिए, क्योंकि बिहार में हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हुए जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। इससे पहले लोजपा आर यानी कि एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की सुरक्षा भी जेड प्लस कर दी थी, जिसके बाद अब बिहार के डीजी अरविंद पांडे ने बाबा बागेश्वर की सुरक्षा जेड प्लस करने की मांग उठा दी। बाबा सितंबर में एक बार फिर बिहार आने वाले हैं और लोगों का क्रेज जिस तरह से उनकी कथाओं को लेकर है, तो आयोजकों के लिए यह कठिन चुनौती तो जरूर होगी। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते जो बिहार के लिए कहा, उसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि बिहार के वेलकम से उत्साहित तो बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी। बिहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। बस यही है, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, सब भक्ति करें, एकता के साथ रहें, सभी प्रसन्न रहें। बाबा बागेश्वर मठ के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से भक्तों से घिर जाते हैं, उससे यह तो तय है कि जैसे जैसे लोगों के बीच वो फेमस हो रहे हैं, ऐसे में उनकी उन्हें सुरक्षा की भी जरूरत होगी। बिहार में तो आतंकी हमले तक की आशंका जारी की गई थी, ऐसे में पुलिस अधिकारी की मांग पर केंद्र सरकार कब तक फैसला करती है यह देखना होगा। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक